मेरा नाम लव कुमार है। आपके सामने एक मैटर आया था थोड़े दिन पहले कैथर ब्लेकिंग टीवी के थ्रू, और एक दो मीडिया वाले आए थे, मतलब जो रामीर जी हैं चौसाड़ा से, उन्होंने कुछ इल्ज़ाम लगाए हैं इस बैन पे, मतलब कि उन्होंने मतलब बाद में उनकी ज़मीन छीन ली, उनके रजिस्ट्री के बाद भी उन्होंने ज़मीन छीन ली है। तो मेरे पे कुछ फैक्ट है जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ। पहला तो सर ये बात है कि जो ये फाइट है ये दोनों तरीके से चल रही है, एक कानूनी एक सामाजिक, ठीक है सर। जो कोर्ट में पेशी है वो है हमारी 7/11/2023 की पेशी है, उसने साफ मना करा है कि कोर्ट में कोई केस चल ही नहीं रहा। मैं आपको सिविल सूट बता देता हूँ जो कोर्ट इन्होंने डाला था, ये 1280 सिविल सूट नंबर है, और ये जो मतलब करा गया, दाखिल करा गया, ये करा गया 22/8/2023 को। इसी के अगेंस्ट में हमने एक और मतलब रजिस्ट्री जो चैलेंज करी है हमने, उसका सिविल सूट है 1442 है, हमने भी 28/8/2023 को चैलेंज करा गया। तो वैसे तो ये मामला जो कानूनी रूप से भी चल रहा है, बट दूसरा जो मामला है वो सामाजिक तरीके से चल रहा है, कभी का ये हमला। तो पहले इन्होंने सर ट्राई करी कि सामाजिक तरीके से उस मतलब फैसला कर लिया जाए, कानून की तरफ से ना जाया जाए। तो ये 4-5 सालों से सामाजिक लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये लड़ाई लंबी चलती रही। अब जाके सामाजिक फैसला हुआ और समाज ने क्या करा, मतलब रामीर जीवन को दोषी पाया गया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो वीडियो बनवाई, पिछली वाली जो वीडियो बनवाई थी, एक दो फैक्ट है मेरे पास। पहला फैक्ट है सर, जो मनीष जी हैं इनके जो हस्बैंड हैं, उनकी जो डेथ हुई है सर, वो मतलब अल्कोहलिक वजह से हुई है, इसमें साफ लिखा हुआ है, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट भी है साफ। इनकी जो डेथ हुई है सर, वो 1 दिसंबर 2017 को हुई थी, और जो रजिस्ट्री हुई वो फरवरी में हुई है। एक्चुअली बात मैं बताता हूँ, मेन बात क्या है, जो 3-4 सालों से मतलब वो बीमार चल ही रहे थे दारू की वजह से, पूरे गाँव को ही पता है वो तो बात की, वो शराब बहुत ज़्यादा पीते थे। अब उनको पता था कि फरवरी के बाद दिसंबर तक उनकी जो हालत है वो ज़्यादा पतली थी, मतलब अलग अलग हॉस्पिटल में उनको लेके जा रहे थे, पर स्थिति में कुछ सुधार नहीं हुआ। उसके बाद 1 दिसंबर 2017 को उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। इसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि उन्होंने पहले क्यों नहीं आई, पहले जो हमारी लड़ाई थी वो सामाजिक चल रही थी, हमारे पास कोई सबूत नहीं थे। अब हमारे पास कोई सबूत आए तो हमने कानूनी साथ में स्टार्ट कर दी। सेकेंड बात, हमें ये बात पता लगी रजिस्ट्री वाली बात, क्योंकि ये क्या करता था, ठेके में बोता था जमीन को। हमें ये बात पता लगी जब हमने अप्रैल में 2018 में से ठेके की मांग करी, तो साफ मना करके कि मेरे पास तो ये ज़मीन अपने पास है, तब से ये ज़मीन हम बो रहे हैं। बट ये कुछ ना कुछ तरीके से तंग करता रहता है। ये बच्चे बेचारे आपको दिख ही रहे हैं साफ, कितने कितने साल के ये बच्चे हैं बेचारे। अब इनके पास बताओ क्या है ना, उनको वो मतलब बुआई के टाइम पे भी तंग करता है और काटने के टाइम पे भी तंग करता है। थर्ड बात क्या है सर, सेकंड बात क्या है, उसने क्या करा, वो सबसे बड़ा फ्रॉड आपके सामने लेके आता हूँ उसका, बिजली कनेक्शन का। उसने क्या करा, बिजली कनेक्शन जो लगवाया हुआ है उसने 6 नंबर किले में लगवाया हुआ है, ताकि वो कब्जा दिखा सके 5 नंबर किले में। बट जो परमिशन है उसने, जो परमिशन उसको मिली हुई थी, जो पटवारी ने उसको परमिशन दी थी, वो परमिशन दी थी उसको 5 नंबर मतलब 15 नंबर किले की, और उसने 5 नंबर उसमें दिखा दिया। मेरे पास ये भी सबूत है उसके 5 नंबर किले के, आपको एक बार दिखा देता हूँ सबूत। हाँ ये रहे वो सबूत, ये किला नंबर 15 की परमिशन से साफ लिख रहा है, उसने लगाया उसको 5 नंबर किला में। पटवारी की हमने मौका रिपोर्ट भी दे ली है, मौका रिपोर्ट भी दिखा रही है कि 15 नंबर का था। ये देखो कितना बड़ा फ्रॉड है। तीसरी बात सर क्या बोल रहे हैं वो, कि जो इसमें RTI में कागज लगवाए हुए हैं बिजली कनेक्शन लेते हुए, अगर आप देखोगे 2-3 चीज़ें उसमें भी साफ गलत है। आपको पता है जितने भी खेवट के सदस्य होते हैं सबकी एग्रीमेंट चाहिए, सबकी सहमति चाहिए, उसने किसी एक की भी सहमति नहीं दी। और साफ साफ इसमें जो RTI हमारे पास रिप्लाई, इसमें साफ लिखा हुआ है करते समय किला नंबर 15। अगर उसने किला नंबर 15 में लगवाया तो 5 नंबर में किस बात का लगवा दिया, सबसे बड़ा फैक्ट तो ये है। अब ये तो साजिश लग रही है कि साथ में इसने पुरानी साजिश, अब ये कनेक्शन लिया उसने उसी टाइम के लिए हुआ कनेक्शन, तब से कनेक्शन उसके पास है, ठीक है। सेकेंड चीज, वो जो बोरवेल की बोल रहा है, वो बोरवेल के समझौते में लिया गया था, साथ में हमने दिए थे पैसे वगैरह, बट साथ में वो यूज कर रहा था क्योंकि ठेके की जमीन उसके पास है तो वो यूज तो करेगा ही। अब वो क्या बोलने लगे कि बोरवेल भी मेरा ही है, ठीक है। अभी दिखा देते हैं साथ चल के, चल दिखाओ, हाँ चलो। एक बात सर, एक और सर बात, वो बोल रहा है कि इन्होंने 34 लाख इनको दे दिया। आप इनका एक बार आ जाइए घर देख लो, एक बार आपने उसका घर देखा होगा साफ वीडियो में, एक बार अंदर आ जाइए आप घर देख लो, मैं आपको घर दिखा देता हूँ उसका साफ, आप ये आपको कहीं से लग रहा है कि उसके पास 34 लाख आ गए होंगे सर, यहीं पे देखना हालत देखना आसपास घर की, या अंदर भी देख लो सर, ऐसे लग रहा है कि दीवारें बहुत पुरानी है, गिर नहीं सकती, ये लोग खतरे में रह रहे हैं सर, मेरे को लग ही नहीं रहा कि कैसे आ रहे हैं।
अगर किसी घर के सदस्य को उसने किस घर के सदस्य को 34 लाख दिए होंगे, क्या आपको लगता है कि ये इस हालत में रहते? आपको साफ दिख रही है इसकी हालतें। आप उधर भी आ जाओ एक बार मेरे साथ, इधर भी देख लो दीवारों में, देखो दरार आ गई है। आपको लग रहा है ये हालत कि 34 लाख के बाद देखियो सर, इधर देखना इनके पास कुछ है और लग भी घर में है क्या? चलो सर एक बात बताओ मेरे को, छोटी सी बात, लेट्स उन्होंने घर ऐसा रखा है, आपको ये लग रहा है कि इनके पास कोई ऐसा सामान होगा तो 34 लाख बता दें कि इनके पास 34 लाख आए होंगे? बाकी सर आप मीडिया सर्वोपरि है, बाकी मीडिया पे छोड़ देते हैं।